दोस्तों नमस्कार। कुछ तो मैं गोभी के बीज डाल चुकी हूँ, लेकिन और कुछ तो उगे नहीं है। देखो, जैसे मैंने इसमें डाला है बंद गांठ गोभी का बीज, लेकिन उगे ही नहीं है। पता नहीं चींटियाँ खा जाती है कुछ। और ये देखो, ये जैसे ये चल रहा है, ये कीटाणु, ये सब बीज उसके खा जाते हैं। और फिर इसमें भी गोभी के बीज डाल रखे हूँ, लेकिन उगा नहीं है। और आज मैं फिर गोभी के बीज डाल रखी हूँ। बीज मैंने अपने घर पे ही बना लिए थे। तो ये देखिए, ये गमला है, इसको छेद बंद करने के लिए मैंने ईंट डाल दिया है। और इसमें मैं कुछ भी कचरा नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर बीज खराब है। इसमें मैं अपने मिट्टी डालती हूँ, हालांकि ऑलरेडी ये मिक्स है। इसमें अपने किचन कंपोस्ट का भी है खाद, सब कुछ मिक्स किया हुआ है। लेकिन इसमें नीचे कचरा नहीं डालूंगी, क्योंकि कचरे में क्या होता है कि कीटाणु उत्पन्न होता है कचरे को खाद बनाने के लिए। तो वो पौधे को भी, नरम पौधे को नुकसान कर देता है, तो सीडलिंग उगने में दिक्कत होगा। तो ये मैं साफ डाल रही हूँ मिट्टी, और इसमें मैं डालूँगी बीज। इसमें थोड़ा और रेता डालेंगे, रेता डालिए, थोड़ा इसमें और रेता डालेंगे, और फिर इसमें हम गोभी का बीज डालेंगे उगाने के लिए। तो रेता डालेंगे थोड़ा, और ये देखिए इसमें रेता डालेंगे, इसमें रेता डालेंगे, और एक मिनट, ये है, ये रेता डाल दिए। अब इसमें ये एक पहले दो लौकी का बीज बीच में डाल देते हैं। एक मिनट, देखो अब इसमें दो लौकी का बीज भी, क्योंकि ठंड में फिर ठंड वाला लौकी होगा, तो दो लौकी का बीज भी डालते हैं जर्मिनेट करने के लिए। तो ये देखो, ये दो लौकी का बीज डल गया है ना, ये हो गया। अब इसमें हम देखो बंद गोभी के बीज डालते हैं। जब उग जाएगा तब फिर हम दूसरी जगह लगा देंगे जहाँ लगाना होगा। लाओ बंद गोभी का बीज लाना, इसमें है। तो फिर इसमें हम बंद गोभी का बीज डाल रहे हैं सीडलिंग के लिए। जब उग जाएगा तो फिर उसको उठा के दूसरी जगह लगाना होता है जहाँ हमें लगाना होगा। इसमें हम एक दवाई भी डालना ज़रूरी है, एक दवाई भी डालते हैं लाना। इसमें एक देखना, इसमें दवाई है, थोड़ा तो निकालना, ताकि कीटाणु जो है वो खाए नहीं। देखो ये है ट्राइकोडर्मा, तो ये ट्राइकोडर्मा बीज उगाने के लिए सही रहता है। तो ये है मेरे पास, इसको डालती हूँ मैं ताकि मेरा बीज जर्मिनेट हो सके। तो ये थोड़ा समय ये ट्राइकोडर्मा का सहारा ले रही हूँ, ये ऑर्गेनिक ही होता है ना। तो और इसमें हम थोड़ा सा और किचन ये कंपोस्ट और डाल देते हैं, केचुआ वाला। ये देखो थोड़ा सा और ज़्यादा कंपोस्ट डाल देते हैं ताकि बीज आसानी से उगे। नया वाला है ना। अब मैं इसमें अपना दोस्तों देखो, जो बीज डालने के लिए हमने मिट्टी तैयार की है, इसमें हमने रेत की मात्रा बढ़ा दिया है, और ज़्यादातर कचड़े वगैरह कुछ नहीं डाला है, और कचड़ा वगैरह सब निकाल के, और ये सिर्फ हम मिट्टी मिट्टी रेत के साथ डाल रहे हैं, जिसमें हम बीज डाल देंगे। जब उगेगा तो हम फिर उसको दूसरी जगह रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, तो ये हमारा ये मिट्टी, ये इसमें नीम खली और रेत की मात्रा ज़्यादा है, और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें डाल दीजिए। तो इसमें देखो दोस्तों, हमारे पास मैं ऑनलाइन मैं उसे ले आई थी नर्सरी से गेंदे का फूल। तो हमने सब्जियों की बातें बहुत कर ली खाने की, अब फूलों की बातें हो जाए। तो अब हजारा गंदा का भी सीजन आ रहा है, तो उसके भी बीज डालने हैं। तो उसके लिए पता है मैंने गेंदे का फूल छोड़ दिया था, ये देखो, और ये फिर इसको मैंने तोड़ के रख दिया था सूखा हुआ, इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ बीज को, ये बीज हो गया, इसी को हम डाल देंगे तो ये पौधा उग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गेंदे का फूल का पौधा दिखाऊंगी उगता है। तो ये मेरा, मैं पहली बार ही ये प्रयोग कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो
फूल ऐसे ही उग जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा फूल था गेंदे का, तो उसका हमने ये रख दिया था ये बीज के लिए। तो ये हो गया, इसमें से थोड़ा मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालना, और जब ये उगेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, तो अब सब्जियों के साथ साथ फूलों की भी बातें हो जाए, क्योंकि जाड़े का दिन जो होता है वो फूलों के लिए भी हमारे यहाँ सौंदर्य का काम करता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बस हो गया, और इसमें थोड़ा पानी छिड़क देंगे, तो ये गेंदे का फूल का हो गया बस। अब ये देखो, अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा, आपको दिखा दूंगी मैं फाइनल। और फिर ये दूसरा वाला भी ये रेडी हो गया। इसमें देखो बंद गोभी का, उसमें जो पहला हमने एक और बनाया था उसमें हमने लौकी लौकी डाल दिया था। अब ये देखो, इसमें हम फिर बंद गोभी का डालेंगे, तो यही मिट्टी फिर हम इसमें भी डाल दिए, है ना। तो अब इसमें हम बीज डाल देंगे, बस ये बीज डाल दीजिए पहले, एक मिनट, ये बीज डाल दीजिए इसमें। इसमें हम बीज डाल देते हैं, कहाँ रख दिया मैंने, फिर ये है, हाँ, बंद गोभी का बीज डाल दीजिए इसमें से लेकर। ये हमारे बीज हैं जो पिछले साल के ही हैं। तो ये देखो, ये बंद गोभी का बीज है, इसको भी हम लगाएंगे। 20-30 बीज डालिएगा, देखते हैं उठता है कि नहीं। ये बीज उगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कब चींटियाँ खा जाती है। जैसे ही उगता है ना, उग तो जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि चींटी खा जाती है। तो ये देखो, ये बंद गोभी का बीज है, ये मैं मार्केट से लाई थी, तो पिछले साल लगाई थी, और फिर बचा के मैंने इस तरीके से इसको बैंड करके रख दी थी अच्छे से, हवा ना लगे। तो ये देखो, फिर से पैक करके फिर इस तरीके से रख दी थी। ये देखो, पूरा मिट्टी का उंगली बट लगा, हाँ बस बस बस, हाँ ये देखिए, इतना सारा मैंने डाल दिया, कम से कम 50-60 बीज है। अब देखते हैं ये कितना उगता है, कितना सक्सेस होता है। अब इसमें फाइनल हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा डाल लें दोनों में, पानी पानी, हाँ मिट्टी थोड़ा ऊपर से डाल के, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, बस बस बस, हाँ। अब इसमें हम पानी का छींटा मार देंगे, पानी का छींटा मार देंगे। तो ये हमारे बीज का सीड का टाइम चल रहा है, सीड लगाने का। फिर जब ये पौधा हो जाएगा तब फिर हम इसको दूसरी जगह लगा देंगे, टोकरी तैयार करके रखेंगे। पौधा हमारा जैसे ही हो जाएगा तो हम ये पौधा लगा देंगे। तो हमने गांठ गोभी की लगा दी, गोभी की लगा दी, अब ये बंद गोभी की लगा दी, मूली लगा दी, गाजर भी थोड़े डाल दिए थे मैंने, फिर मैं आपको दिखाऊंगी गाजर, सोया का भी रखा है मैंने, पालक, ये सभी चीज़ें, सरसों, ये सारी चीज़ें जो है इसी टाइम होता है। तो धीरे धीरे हम सीड भी डालेंगे, हालांकि बाज़ार में तो सब्जी आने लगी होगी, लेकिन यूरिया पर ज़बरदस्ती उगाया हुआ है। नेचुरल तो तभी होता है जब उसका सीजन आता है। ये हो गया, ये दोनों में अब ये हम रख देंगे, हो गया, अब इसको उठा के रख देंगे, ये फाइनल हो गया हमारा सीड लगाने का। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।